तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको हरियाणा की स्थिति दिखाई, वो स्थिति जो कि कानून बन जाने के बाद है। इधर हरियाणा ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी गाय की जो हालत है वो काफी बदतर है। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास मेन रोड पर सड़क किनारे गाय का जमावड़ा देखने को मिल जाएगा, जो पॉलिथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर है। इन गाय को तभी कुछ खाने को मिलता है जब कोई खाना देकर जाता है। देश भर में बेशक ही गाय की रक्षा की बातें उठने लगी है, गाय को लेकर राजनीति भी होने लगी है, लेकिन हकीकत में गायों की स्थिति हमारे देश में क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये मयूर विहार एक्सटेंशन जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास का नज़ारा है, और यहाँ पे जो गाय हैं आप देख सकते हैं कि हालांकि देश यहाँ पे गाय जो है जो सूखा यहाँ पे जो लोग कूड़ा करकट पड़ा है उसको खाने को मजबूर है, क्योंकि बेशक की तमाम तरह की बातें होती हैं देश भर में कि गायों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गाय की जो गौशालाएं हैं उनकी बात होती है, लेकिन अभी जो नज़ारा है गाय की स्थिति देख सकते हैं कि ना तो इनको कूड़ा जो है और जो फैला हुआ है खाना जो लोग फेंक के चले जाते हैं उनको खाने में मजबूर है, और इतना ही नहीं कई गौशालाएं भी खोली गई हैं लेकिन वो गौशालाएं जो हैं गाय की तरफ कितना ध्यान देती हैं उससे एक नज़ारा पता चलता है कि गायें जो है बैठी हुई हैं लेकिन उनका कोई गौशाला जितने लोग चलाते हैं उनका कोई ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक नज़ारा है मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के पास का कि किस तरह से जो गाय हैं, क्योंकि जो हालत है देश की राजधानी दिल्ली है ये और काफ़ी पॉश इलाका है मयूर विहार एक्सटेंशन जो है, और अच्छा खासा इलाका है, अच्छे खासे लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने है कि गायें को लेकर तमाम तरह की बातें होती है, तमाम तरह के विवाद होते हैं, लेकिन जो गाय की स्थिति है, गाय की स्थिति जो है जमीनी हकीकत है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली। तो वाकई में ये चिंताजनक तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, और आप समझ सकते हैं कि देश भर में क्या हालात होंगे आसानी से इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो दिल्ली सटे नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली से सटे नोएडा के नजदीक चिल्ला गांव में भी सड़क किनारे गाय को कूड़ा खाते देखा जा सकता है, जहां पर भी गाय पॉलिथीन और कूड़ा करकट खाने को मजबूर है। दिल्ली के चिल्ला गांव में भी गाय हमको सड़कों पर कूड़ा खाती मिली। आप ये आपको बता दें कि चिल्ला गांव है जो कि नोएडा से सटा हुआ है बिल्कुल, और इसके और यहाँ पे जो रोड है काफ़ी आना जाना है, और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि जो गाय हैं किस तरह से जो कूड़ा यहाँ पे लोग फेंक जाते हैं, कूड़ा पॉलिथीन जो भी अपना घर का जो सामान जो गंदगी है फेंक के जाते हैं उसको यहाँ पर जो गाय हैं वो किस तरह से खाने को मजबूर है। तमाम सिर्फ एक नहीं यहाँ पे कई ऐसी गायें हैं जो कि कूड़ा खाने को मजबूर है। तो ये स्थिति है हमारे देश की राजधानी में जो गाय की, जिस गाय को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, विवाद होने लगे हैं, गौ माता की रक्षा की बातें होने लगी हैं, तो उस गाय की जो जमीनी हकीकत की स्थिति वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाय कूड़े के ढेर में कूड़े में कुछ खाने को ढूंढ रही है, मजबूर है गाय कि कूड़ा खाए। ये वही गाय है जिसकी हमारे देश में पूजा भी की जाती है, और कई तरह के राजनीति पार्टियां जो हैं राजनीति रंग भी देती हैं गाय को लेकर, लेकिन गाय की स्थिति ऐसी है कि बेचारी गाय जो है भूखे पेट है और उसको खाने के लिए जो है कूड़े में अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है, और कई बार ये मामले भी सामने आए हैं कि गाय कूड़े से पॉलिथीन खाती हैं और पॉलिथीन खाने के बाद वो जो पॉलिथीन उनके पेट में जाती हैं जिसके बाद गाय की मौत तक हो जाती है। तो ये स्थिति है राजधानी में गायों की स्थिति की जिसको लेकर अक्सर विवाद होते हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली। तो सड़कों पर घूम रही गाय को गौशाला तक पहुंचाने का काम नगर निगम का होता है, जिसको लेकर नगर निगम के मुताबिक समय समय पर नगर निगम काम भी करता रहता है। साउथ एमसीडी के मेयर सुभाष आर्य से इसको लेकर बात की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। गाय को लेकर नगर निगम की क्या नीतियां हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ एमसीडी के मेयर सुभाष आर्य जी हैं। सर, हमने देखा कई गायें सड़कों पे घूमती है, पॉलिथीन खाती है, कूड़ा करकट खाती है, क्या निगम कुछ नीतियां हैं गायों को लेकर के किस तरह से उनको गौशाला तक? जितनी भी गायें किसी भी गौशाला से बाहर मिलती हैं उनको पकड़कर गौशालाओं में भेजने का काम निगम करती है। ये आवारा गाय से कहा जाता है। ये कई बार जो इसका दूध दोहते हैं वो एक बार सड़क पर छोड़ते हैं, खा पी के आएगी तो वापस अपने घर आएगी, दूध वहाँ फिर छोड़ दिया, ये उनका धंधा है। उसको भी मिटाने के लिए और शहर के अंदर गौ को रखना बैन है,
मना है, उसको भी हटाने के लिए हम बार बार छापे डालते हैं, गौओं को ले जाकर गौशाला बंद करते हैं, उन गौशालों में दोबारा से बाहर नहीं आए, इसके लिए उनमें खाने के साथ कोई चिप दी जाती है कि चक के चिप जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा ये गौ पहले आ चुकी थी, दोबारा कैसे बाहर आई। लेकिन हमारी कोशिश रहती है, फिर भी हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं से बाहर से गौ लाकर या कहीं लाकर ये फिर करते हैं। हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि ऐसी गौओं को हम सड़क पर ना घूमने, एक्सीडेंट बढ़ते हैं इससे और वह प्लास्टिक खाते हैं जिससे उनकी मौत होना शुरू हो गया। गौशालाओं पर भी किस तरह का नियंत्रण रखती है नगर निगम? गौशालाओं पर भी कई बार देखा गया है कि उनसे गौशालाओं का एक जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, हमें केवल उसके रोज के लिए खाने के हिसाब से पैसे की ग्रांट देनी होती है, लगभग करोड़ रुपये हम हर साल का गौओं को देते हैं, गौशालाओं को देते हैं हम लोग। सर, सड़कों पर जो गायें घूमती है, आपने कहा कि नगर निगम उनको गौशाला तक पहुँचाती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या पर सड़कों पर गायें देखने को मिलती है। आगे से पहले कम हुई है, बीच में हमने काफ़ी मारे था, लेकिन दोबारा से फिर अब एक बार अगले महीने से हम दिसंबर आने वाला है, हम सारी गांवों को जितनी भी सरकार पर हैं दोबारा से गौशाला भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो नगर निगम का साफ कहना है कि गौशालाओं तक जो सड़कों पर गायें घूम रही है, गौशाला तक पहुंचाने का जिम्मा उनका होता है। हालांकि सड़कों पर अभी भी गौशाला में गायें जो हैं, जो गायें हैं वो सड़कों पर अधिक दिखती हैं, लेकिन निगम का कहना है कि ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया करते रहते हैं कि सड़कों पर गायें ना दिखें और उनको गौशाला तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली। तो प्रदेश में नहीं, गाय की जो हालत है आज पूरे देश भर में काफी बदतर है। गाय को लेकर राजनीति ज्यादा होती है और उसकी असल फिक्र कम हो रही है। आपको बता दें कि ऐसे में गौ माता का दर्द सबके सामने आ रहा है। मैं गाय हूं, देश और प्रदेश में मुझको लेकर कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, मेरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी हैं, लेकिन मेरा दर्द आज भी वही पुराना है। देश और प्रदेश में मुझ पर राजनीति तो खूब हो रही है, हर कोई मेरे लिए सहानुभूति भी जता रहा है, लेकिन मैं आज भी कूड़ा करकट और पॉलिथिन ही खा रही हूँ। मेरे संरक्षण के लिए सरकारें पैसा पानी की तरह बहा रही हैं, यहाँ तक कि प्रदेश में अलग से एक आयोग तक का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन मैं आज भी सड़क पर यूं ही आवारा बेसहारा घूम रही हूँ। आज भी मैं दर बदर आवारा भटकने को मजबूर हूँ। मुझे माँ की तरह गोपाष्टमी को तो खूब पूजा गया, लेकिन उसके बाद मानो हर किसी ने भुला दिया।